एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 8 डे क्लास है और आज की क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। आज की क्लास जो मेरी होगी वो इनपुट डिवाइसेस पर होगी, बिकॉज जो मेरी पिछली क्लास थी पार्ट ऑफ कंप्यूटर पर था, जिसमें मैंने आप लोगों को डीपली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। और आज मैं हार्डवेयर के अंतर्गत, चूंकि हार्डवेयर तीन प्रकार से मैंने उसमें डिवाइड करके बताया था आपको कि टाइप ऑफ हार्डवेयर, थ्री टाइप्स हार्डवेयर होते हैं, फर्स्ट आपका इनपुट डिवाइस, सेकेंड आपका प्रोसेसिंग डिवाइस एंड थर्ड है आउटपुट डिवाइस। तो उसमें से मैं आज इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को वेरी केयरफुली आप देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ये वीडियो ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंप्यूटर की फ्री क्लासेस प्राप्त हो सके। तो वीडियो को केयरफुली देखें। चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में डीपली हम जानेंगे। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए आईपीओ, चूंकि कंप्यूटर जो है आपका वो आईपीओ टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। आईपीओ मीन्स होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। तो आईपीओ में इनपुट के बिना कंप्लीट सिस्टम नहीं बन सकता। तो इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। इनपुट डिवाइस होता क्या है? इन मतलब होता अंदर, पुट मतलब होता रखना, डिवाइस मतलब मशीन, वह मशीन या वह यंत्र जिसके द्वारा हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन कराते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा यदि हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त करना है तो हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन कराते हैं। तो हम आज जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो कितने प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनपुट डिवाइसेस दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है आपका बेसिक इनपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट डिवाइस। बेसिक इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं? वह इनपुट डिवाइसेस जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं होता है, उसे हम बेसिक इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिसमें आपका दो इनपुट डिवाइस ऐसी हैं जो बेसिक इनपुट डिवाइस कही जाती हैं। एक है आपका माउस और एक है आपका कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड आपका बेसिक इनपुट डिवाइस। आप देखें, चाहे आप कोई भी पीसी देखें, डेस्कटॉप सिस्टम देखें, उसमें भी माउस और कीबोर्ड होगा। आप लैपटॉप पर यूज करते हैं, चूंकि हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं और माइक्रो कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है, पीसी, पीसी एक्सटी एंड पीसी एटी। पीसी मीन्स हो गया आपका डेस्कटॉप, पीसी एक्सटी मीन्स हो गया लैपटॉप और पीसी एटी मीन्स हो गया कॉमटॉप। तो अगर आप पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, तो उसमें भी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू, ये बेसिक डिवाइसेस हैं जब जो एक कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो उसमें माउस और कीबोर्ड का होना जरूरी है। इसी तरीके से लैपटॉप अगर हम यूज करते हैं तो उसमें भी कीपैड और माउस पैड का होना जरूरी है। विदाउट कीपैड और माउस पैड के वो कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप पाम टॉप देखते हैं तो पाम टॉप एज ए मोबाइल अगर आप देख लो तो कीपैड आ जाता है। कीपैड के माध्यम से हम कीज को लिखते हैं, कोई भी निर्देशित करते हैं, कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, या हमें स्क्रॉल करना है, कुछ ऐसा वर्क करना है, कोई भी निर्देशित करना है, तो हम पॉइंटर के द्वारा अपने उंगलियों के माध्यम से उसको टच करके हम वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब बेसिक इनपुट में आपका कीबोर्ड और माउस हो गया। कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी डेटा प्रविष्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और माउस के द्वारा हम कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। माउस का जो वर्क है, माउस बेसिकली चार काम करता है, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड पॉइंटिंग एंड स्क्रॉलिंग। ये वर्क है आपका माउस का। कीबोर्ड को देखा जाए तो कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग वर्क करते हैं। इसमें कई टाइप की कीज पाई जाती हैं, जो आपका फंक्शन कीज है, अल्फान्यूमेरिक कीज है, टाइपिंग कीज है या टेक्स्ट कीज जिसे हम कह सकते हैं, मॉडिफायर कीज होती है, न्यूमेरिक पैड होता है, एरो कीज होती है। इन सारी कीज के माध्यम से हम
अपने वर्क को मैनेज करते हैं, उसके माध्यम से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं स्पेशल इनपुट, स्पेशल इनपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट डिवाइस एंड स्पेशल इनपुट डिवाइस। स्पेशल इनपुट डिवाइस कई होते हैं, क्योंकि जैसा आपका स्पेशलाइजेशन होता है उस टाइप की डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हम सारी डिवाइसेस को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे स्पेशल इनपुट में डाल देते हैं। जैसे आप देखें, जैसे आपका है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया। देखिए स्पेशल इनपुट डिवाइसेस मैंने कुछ लिख दिया यहां पर, जैसे जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं इसे, बीसीआर बारकोड रीडर है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन जिसे हम वॉइस को इनपुट कराते हैं, ये ऑडियो विजुअल्स है, इसके द्वारा हम ऑडियो इनपुट करते हैं, वेब कैमरा है जिससे हम वीडियो इनपुट करते हैं, और तथा डिजिटल कैमरास जो होते हैं उससे हम माइक्रोफोन के थ्रू अपनी स्पीक, अपनी जो हम स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं, माइक से आपका ऑडियो इनपुट होता है, और वेब कैमरा से आपका वीडियो इनपुट होता है, जो कि वेब चैटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माइक्रोफोन, वेब कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, ओएमआर, वीसीआर, ओसीआर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग पैड, ये सारी चीजें लगभग ये सब स्पेशल इनपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। स्पेशल इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है, जैसे जिस डिवाइस की हमें आवश्यकता होती है, जिस डिवाइस का स्पेशलाइजेशन होता है, उस डिवाइस को हम ऑप्शनल तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इतनी डिवाइसेस को हम एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसी हमारी आवश्यकता होती है उस टाइप के डिवाइसेस को हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, और ये सारी डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनसे हम इनपुट ही कराते हैं। तो आपने देखा कि बेसिक इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और स्पेशल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। बेसिक डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट हैंडलिंग करते हैं, और अगर हमें स्पेशल वर्क करना है, कुछ भी हमें स्पेशल वर्क करना है, तो हम स्पेशल इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से उस वर्क को कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और डीपली देखते हैं इन डिवाइसेस के फंक्शन के आधार पर इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं और डीपली हम समझते हैं। चूंकि अभी मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस दो तरीके से होते हैं, एक बेसिक इनपुट डिवाइस है, स्पेशल इनपुट डिवाइसेस, हम इसको उनके फंक्शन के आधार पर हमने डिवाइड किया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, फिर अब कभी भी इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके ब्रेन में ना रहे। तो हम देखते हैं इसको, इनपुट जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो फंक्शन के आधार पर चार तरीके का फंक्शन करता है इनपुट डिवाइस। फर्स्ट तो टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस होती है, जिसके द्वारा हम टाइपिंग करते हैं, मतलब कहने का है कोई भी डेटा हम लिख करके इनपुट देते हैं, टाइप करके हम इनपुट कराते हैं। सेकेंड आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, जिसके द्वारा हम पॉइंट करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस जिसके द्वारा हम पॉइंटिंग करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। थर्ड आपका स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस, जिसके द्वारा हम स्कैन करते हैं, क्या क्या ऐसी डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम स्कैन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस, वो कौन सी इनपुट डिवाइसेस है जिससे हम ऑडियो इनपुट कराते हैं या विजुअल हम वीडियो इनपुट करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें सबसे फर्स्ट हम टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट आपका है कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग इनपुट करते हैं। मैंने भी आपको बताया कीबोर्ड में कीज का संग्रह होता है, टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया। तथा टाइपिंग इनपुट डिवाइस आपका टर्मिनल्स, टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपके टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनका उपयोग आपको मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर में देखने को मिलता है। इसके साथ एक मॉनिटर होता है और उसके साथ कीबोर्ड ऐड होता है, जिसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। इसमें भी तीन प्रकार के टर्मिनल्स यूज किए जाते हैं, एक आपका होता है डॉक टर्मिनल, इंटेलिजेंस टर्मिनल होता है, और एक आपका थर्मल टर्मिनल होता है। तो ये दो हो गए आपके टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस। हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं, सबसे फर्स्ट आपका माउस,
आप जानते हैं माउस से हम क्लिकिंग करते हैं, डबल क्लिकिंग करते हैं, माउस से हम क्लिकिंग करते हैं, डबल क्लिकिंग करते हैं, ड्रैगिंग करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। माउस तीन प्रकार का होता है, एक आपका मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टो मैकेनिकल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के द्वारा भी हम पॉइंट का करने का वर्क करते हैं। जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, जैसे बॉक्सिंग गेम है या कार रेस गेम है, ऐसे सारे गेम्स को खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, जहां से हम पॉइंट करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है, जैसे माउस में नीचे स्क्रॉल करने के लिए पहले रोलर पाया जाता था, वैसे ट्रैक बॉल से हम एग्जैक्ट पॉइंटिंग का वर्क करते हैं। ट्रैक बॉल में ऊपर एक बॉल पाया जाता है जिससे हम मूव करते हैं अपने पॉइंटर को और बटन से हम क्लिकिंग वगैरह करते हैं। ज्यादातर इसको आप साइंटिफिक में देखते हैं या फिर मेडिकल सेक्टर में देखते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए वहां पर डॉक्टर्स पैथोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के द्वारा हम टच करके उसमें भी पॉइंट करते हैं, जो टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है। आप ध्यान दें, मॉनिटर के ऊपर ही टच स्क्रीन लगा होता है, मॉनिटर की का जो डिस्प्ले होता है वो अलग है, वो आउटपुट डिवाइस है, बट टच स्क्रीन एक ऊपर से एक लेयर लगता है जिसे टच स्क्रीन कहा जाता है, वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों कहा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। डिस्प्ले, जो डिस्प्ले यूनिट है मॉनिटर का, वो अलग है और उसके ऊपर से एक नया पैनल लगा होता है जिसे हम टच स्क्रीन कहते हैं, जहां से हम केवल इनपुट करने का वर्क करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आपको लगता है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर ही हम टच कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा हम डिजिटल सिग्नेचर्स लेते हैं, अधिकारियों के सिग्नेचर प्राप्त करते हैं, इससे भी हम पॉइंट करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजिंग पैड। डिजिटाइजिंग पैड जैसे एक टैबलेट पैड होता है, डिजिटाइजिंग पैड जिसे हम कहते हैं, वहीं पर हम स्टिक से कुछ भी हम डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सब कैटेगराइज कर दिया मैंने, टाइपिंग के डिवाइसेस को अलग कर दिया है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस अलग कर दिया है। अब हम देखते हैं स्कैनिंग, किन डिवाइसेस के इसके द्वारा हम स्कैनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्पेशल इनपुट डिवाइसेस बताया हुआ है, उसी से सारे डिवाइसेस, वही सारे डिवाइसेस हैं, बट उसको मैंने और डीपली कैटेगराइज किया गया है, जिससे आप उसके फंक्शन के आधार पर उसको आसानी से समझ सके, जिससे आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। स्कैनिंग में हम देखते हैं, एक स्कैनर होता है जिसे हम इमेज स्कैन करते हैं, जिसे फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। स्कैन करते हैं, फ्लैट स्कैनर होता है ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, ऐसे ऑफिस में फ्लैट स्कैनर का यूज किया जाता है, जिसे हम इमेज स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट आपका ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जिससे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओएमआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। आज देखते हैं आप लोग एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट यूज की जाती है, और ओएमआर सीट की चेकिंग के लिए किस रीडर की जरूरत होती है, ओएमआर रीडर की, जो ऑप्टिकल मार्क्स को रीड करता है। तो ओएमआर भी एक इनपुट स्कैनर डिवाइस है जो ऑप्टिकल मार्क्स को रीड करता है। नेक्स्ट आपका एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन बोर्ड। इसके द्वारा मैग्नेटिक कैरेक्टर्स पढ़े जाते हैं, जैसे आप देखते हैं एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस पर एक ब्लैक पट्टी का होती है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन कैरेक्टर लिखे होते हैं, उसको रीड करने के लिए एमआईसीआर यूज किया जाता है, जो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन जो आपका एटीएम होता है, एटीएम में जहां पर हम कार्ड को इन कराते हैं वहां आपका एमआईसीआर लगा होता है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करता है। बीसीआर मीन्स बारकोड रीडर। बारकोड रीडर्स के माध्यम से बारकोड को रीड किया जाता है, ज्यादातर मॉल वगैरह में आप देखते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां का जो रिसेप्शन पे जो अकाउंटेंट होता है वो डायरेक्टली आपके किसी भी क्लॉथ का या किसी भी प्रोडक्ट पे बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करके आपकी बिलिंग को करता है। तो बारकोड रीडर से हम बारकोड को रीड करते हैं। ये सब स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम स्कैन करके डेटा को इनपुट करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो, जहां से हम ऑडियो इनपुट कराते हैं, ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस में आपका सबसे फर्स्ट है वॉइस रिकॉग्निशन। आप देखते हैं हेडफोन लगा करके हम उसमें वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से हम अपनी स्पीच को देते हैं, वो आपका वॉइस रिकॉग्निशन कहा जाता है।
एक माइक्रोफोन को भी हम कंप्यूटर में इनबिल्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो भी आवाज हम बोलेंगे, जो भी हम कुछ बोलेंगे वो आपको सुनाई दे जाएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, जो हमारा कैमरा है, ये जो डिजिटल कैमरा है, उसके द्वारा हमारी आवाज उस कैमरे में इन कर रही है, उसके द्वारा आप इस वीडियो में ऑडियो सुन पाएंगे। वेब कैमरा है, जो हम वेब चैटिंग करते हैं ऑनलाइन बातचीत करने के लिए, वेब कैमरा से आपका विजुअल इनपुट होता है, आपकी वीडियो, आपका इमेज कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, उस वेब कैमरे के माध्यम से इनपुट होता है, जो अगले नेक्स्ट पर्सन को वो दिख जाता है जो आपसे वीडियो चैटिंग कर रहा होता है। डिजिटल कैमरा, इसके द्वारा हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसके द्वारा अपनी इमेज को भी हम सबमिट कर सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा, ये आपके ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपने देखा कि इनपुट डिवाइसेस को मैंने इतने डीपली तरीके से बताया, इतने उसके फंक्शंस, उसके वर्क के आधार पे मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप कभी भी इनपुट डिवाइसेस को नहीं भूलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इनपुट डिवाइसेस अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अभी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।